न्यूजीलैंड में इंडिया इंडिया, भारत ने दूसरा T20 मैच जीता। सूर्य कुमार के तूफान के बाद गेंदबाजों की आंधी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे T20 मैच में मेजबान कीवी टीम सूर्य कुमार यादव के तूफान में उड़ गई। दूसरे T20 में सूर्य ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की ऐसी पिटाई की जिसे वो सालों साल नहीं भूल पाएंगे। चलिए पहले इस मैच की बात शुरुआत से करते हैं। इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग के लिए ईशान किशन और ऋषभ पंत की जोड़ी उतरी। शुरुआती ओवर्स में जहां ईशान किशन लगातार शॉट खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत एक एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे। आखिर में उनकी संघर्षशील पारी 13 गेंद पर 6 रन बनाने के बाद खत्म हो गई। अब क्रीज पर आते हैं स्काई यानी अपने सूर्य भाऊ। अब सूर्य आते हैं और आते ही छा जाते हैं। ईशान किशन भी उनका अच्छा साथ देते हैं। टीम का स्कोर 70 रन के करीब पहुंचा ही था कि इतने में ईश सोढ़ी ने ईशान किशन को 36 रन के स्कोर पर सऊदी के हाथों कैच आउट करवा दिया। एक तरफ लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन सूर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लगातार कीवी गेंदबाजों की धुनाई करते रहे। श्रेयस अय्यर ने आते ही कुछ अच्छे शॉट खेले, लेकिन उनकी पारी 13 रन से आगे नहीं बढ़ पाई। हार्दिक इसके बाद क्रीज पर आते हैं, लेकिन उन्हें भी रनों के लिए संघर्ष करना पड़ा। लेकिन सूर्य कुमार यादव अलग ही मूड में खेल रहे थे। इस दौरान हार्दिक भी उनका साथ छोड़ गए, लेकिन उनकी तूफानी बल्लेबाजी जारी रही। जल्द ही उन्होंने अपने T20 करियर का शतक केवल 49 गेंदों पर पूरा कर लिया। 20 ओवर तक कीवी गेंदबाज उन्हें आउट नहीं कर पाए। हालांकि अंतिम ओवर में सऊदी ने हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा और वॉशिंगटन सुंदर को लगातार 3 गेंद पर आउट कर अपनी दूसरी T20 हैट्रिक ली। इसके बावजूद भारत 190 रन के पार स्कोर पहुंचाने में कामयाब रहा। अब बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम काफी दबाव में दिखी। उनका ये दबाव तब और बढ़ गया जब भुवनेश्वर कुमार ने फिन एलन को पहले ही ओवर में पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद डेवन कॉनवे और केन विलियमसन ने कीवी पारी को संभालने की कोशिश की। इन दोनों ने न केवल अपने विकेट बचाए बल्कि रन गति भी बढ़ाई। ये जोड़ी खतरनाक होती दिखाई दे रही थी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने इसे ज्यादा बड़ा नहीं होने दिया और 56 रन के स्कोर पर कॉनवे को आउट कर दिया। कॉनवे ने 22 गेंद पर 25 रन की पारी खेली। इसके बाद ग्लेन फिलिप ने आते ही बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन युजवेंद्र चहल ने उन्हें अपनी फिरकी में फंसा कर कीवी टीम को तीसरा झटका दिया। भारत को यहां से जीत दिख रही थी और अंत में भारत को मैच जीतने में ज्यादा दिक्कत हुई भी नहीं। अंत में केन विलियमसन ने कुछ करिश्मे की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश उनकी टीम के ज्यादा काम नहीं आई। भारत की यंग ब्रिगेड ने न्यूजीलैंड की अनुभवी और दमदार टीम को धूल चटा दी। अब भारत कम से कम सीरीज हार तो नहीं सकता। अगर हार्दिक की टीम तीसरा मैच भी जीत लेती है तो सीरीज वो अपने नाम कर लेगी। टीम न्यूज नेशन स्पोर्ट्स।